खबर बहराइच जनपद से है, जहां प्रयागपुर में कुंवार के नवरात्र की 6 माह पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मूर्ति बनाने के लिए कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली से कारीगर बहराइच जिला के प्रयागपुर में पहुंचे हैं, जहां पर मूर्ति स्वामी से पूछने पर बताया गया कि यह मूर्ति हम लोग ऑर्डर पर बनाते हैं। हालांकि हमें इस मूर्ति को बनाने में 6 माह पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, जैसा कि बांस को काट कर सुखाना पड़ता है, बांस का भट्टा तैयार करके उसका ढांचा बनाया जाता है और मूर्ति को आकार देने के लिए धान के पैरों से हम लोग शरीर का निर्माण करते हैं। इसके बाद चेहरे की आकृति देने के लिए सांचे का प्रयोग किया जाता है। इन मूर्तियों को तैयार करने में अलग अलग के कारीगर का उपयोग होता है। हमारे यहाँ मूर्तियाँ का रेट सब अलग अलग है, 8,000 से लेकर 35,000 तक की मूर्तियाँ बिकती हैं। यही नहीं, कम पड़ जाती हैं तो इमरजेंसी के लिए हम लोग 1-2 मूर्ति और तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस मूर्ति को तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है और कलर तैयार करने में भी समय लग जाता है। दोस्तों, मैं इसमें बहराइच जिला के प्रयागपुर में खड़ा हूँ। प्रयागपुर में जो पावर हाउस है उसके सामने मैं इस समय खड़ा हूँ। नवरात्रि समकक्ष है और हमारे बीच में जो मूर्ति के ठेकेदार कहा जाए या फिर कलाकार कहा जाए वो मौजूद हैं। उनसे हम अभी पूछेंगे कि इन मूर्तियों को आप कैसे आकृति देते हैं और स्टार्टिंग में क्या करते हैं। दादा, आपका क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम महानंद सरकार है जी। अच्छा, ये बताइए, ये मूर्ति का जो आकार देते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, तो ये कितने समय में तैयार होती है मूर्तियाँ? जैसे लगभग हम लोग 4 महीने से काम कर रहे हैं। 4 महीना पहले से काम शुरू है। अच्छा, इसके लिए कारीगर आप स्वयं हैं या फिर कारीगर बाहर से? जैसे हम तो स्वयं हैं और इतना सारे मूर्ति बनाने के लिए बाहर से भी मंगाना पड़ता है। अच्छा, कारीगर को क्या तनख्वाह भी देना पड़ता है या फिर जो ना वो पैसा लेते हैं? दिन का हिसाब से लेते हैं या ठीका का हिसाब से मूर्ति का? ठेके बनवाते हैं या फिर दिन में? दिन में भी है, कोनो कारीगर ऐसा है कि दिन में भी बनाते हैं और कोनो कारीगर जो है ठीका में बनाते हैं कि एक मूर्ति। अच्छा, क्या इन मूर्तियों की कीमत क्या होगी? देखिए, हमारे यहाँ से 6,000 से स्टार्टिंग है। 6,000 से स्टार्ट है? 6,000 से स्टार्ट है और 20-22 हज़ार, और अगर बाहर से ऑर्डर कोई देते हैं अपना फोटो के तरीके से ऑर्डर देते हैं तो उसको तर्क अलग अलग होता है। 50,000 तक, 1,00,000 तक मूर्ति भी बन सकता है। मिट्टी को आकृति देने में तो बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि मिट्टी को अगर हम मिट्टी की बाखूबी अगर हम जानते हैं। अच्छा, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टियों की क्या मूर्ति की जो मिट्टी बनाई जाती है मिट्टी से, तो क्या मिट्टी अलग से लाई जाती है कि यही नहीं यही पर उपलब्ध मिलती है? लेकिन हर जगह का मिट्टी नहीं उपलब्ध है। जो ऐसा मतलब किसड़ी टाइप का मिट्टी होता है, तीन तरह का मिट्टी इससे बनाई जाती है, उस मिट्टी का क्या नाम होगा? मिट्टी का जो है किसड़ी मिट्टी, जिसमें चिकनी मिट्टी, थोड़ा सा ब्लू मिट्टी, बालू मिट्टी, मतलब हर तरीका से मिट्टी, अलग अलग मिट्टी लगता है। इसमें तीन प्रकार का मिट्टी लगता है। कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा पास में आ जाए, हम मूर्तियों को बाखूबी लोगों को दिखा सकें। मूर्तियों में अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि मूर्ति के ऊपर जो आकृति बनी हुई है उसको भी दिखाना चाहते हैं कि एक कला, वाकई में कला को जितना भी हम लोगों से एक कहा जाता है कि कला एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, सबके हाथों में होती नहीं है कला। जिन हाथों में कला होता है उस हाथ को भी लोग प्रणाम करते हैं, उस लोग को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि मिट्टी तो बहुत होती है लेकिन मिट्टी को पहचानना, उसको आकृति देना कलाकार को ही मालूम होता है। जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी तीन प्रकार की होती है, तीनों प्रकार की लगती हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी भी इसमें ज़्यादा उपयोगी होती है। अच्छा, बाहर से भी मिट्टी मंगवानी पड़ती है? नहीं, बाहर से नहीं होता, हमारे इधर ही उपलब्ध हो जाती है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक ही मूर्तियों को दिखाएं। ऊपर भी एक नई कला दी गई है, इस मूर्तियों के ऊपर मूर्ति बनाने का क्या कारण है हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि जो दुर्गा जी की मूर्ति है, इसके ऊपर जो आपने ये किस चीज की मूर्ति है? जी, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति बना जाए या स्टेचू बना जाए जी, ये स्टेचू बना हुआ है। हाँ, मॉडल के लिए, अच्छा देखने के लिए स्टेचू बना हुआ है। तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये बजरंगबली है।
और ये माता सीता जी है अशोक वाटिका में बैठे, मतलब अशोक वाटिका को आपने दिया गया है कि जो देखिए कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी और हनुमान जी आए थे अंगूठी देने के लिए, ये उस दृश्य को दर्शाया जा रहा है। उस दृश्य का दर्शाया जा रहा है। अच्छा, और इसके बगल में जो मूर्तियां रखी है, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा पास में आ जाएं, उसी के बगल में ऊपर जो है हनुमान जी की और लक्ष्मण जी राम जी के जो है चरणों में लेटे हैं, इसका क्या जो है संदेश देना चाहते हैं? जो है जब मेघनाथ ने इसमें मतलब शक्तिशाल मारा था तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उसका बाद बजरंग बली संजीवनी मूर्ति लेके आप उसे है किसी का मतलब वो बना है स्टेचू बना। हर मूर्तियों पर कला अलग अलग से दी गई है, कहीं हनुमान जी को कैलाश संजीवनी बूटी लेकर आ रहे उसकी आकृति दी गई है, तो कहीं अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, हनुमान जी मिल रहे हैं, उसको भी दर्शाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9, कृष्णचंद शुक्ला साहब।